गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार संतोष जी। बहुत दिनों बाद, मुझे तो लगा कि आप हमें भूल ही गए हैं। भूल जाएं और आपको, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आपकी दवाओं और दुआओं से ही तो हमारी फसलें लहलाती हैं। सही कहा आपने, आपकी समझ और मेहनत जब मिल जाए तो फसलें तो बढ़िया होंगी। कहिए क्या सेवा करूँ आपकी? वही अपना प्रोडक्ट देकर जिसपे हमें सबसे ज्यादा भरोसा है। जरूर, आप जैसे सफल और उन्नत किसान ही इस बात को समझ सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इसी भरोसे के कारण मैं और मेरे जैसे कई किसान आज उन्नत और सफल हैं। संतोष जी, आपको पता है कि मेरे एक किसान भाई ने अपनी खेती की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बात तो अच्छी है, मगर उसकी खेती के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अब तो बस अपना ये भरोसेमंद प्रोडक्ट ही उसे बचा सकता है। सही है, इसीलिए तो सब इसे इतना पसंद करते हैं। तो कहिए आपको कितने पैकेट दे दूं? 8। 8 पैकेट जी। और आपकी क्या सेवा करूं भाई साहब? मुझे वो वाला फफूंद नाशक दे दो। हाँ, वो वाला। हाँ। ठीक है कृष्णा, वो एक फफूंद नाशक निकाल दो और 8 केवियट के पैकेट निकाल दो। ये रहा आपका फफूंद नाशक। और ये रहा आपका भरोसेमंद, सॉरी हम सभी लोगों का भरोसेमंद केवियट। कृष्णा ये गाड़ी में रखवा दो। धन्यवाद संतोष जी, फिर मैं निकलता हूँ। गोविंद जी, फफूंद तो आपके खेतों का रास्ता भूल चुकी है, पर आप हमारा रास्ता मत भूल जाइए। कभी कभी मिल लिया कीजिए। हाँ हाँ जरूर जरूर। नमस्कार, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ कहिए। आप सच में किसान ही हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं किसान ही हूँ। कहिए आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दिखने में तो आप किसान नहीं लगते, और खेती में से भी इतनी प्रगति हो सकती है। खेती में सही ज्ञान, सही समय पर समाधान, रोकड़े का ध्यान और दवाइयों का अगर सही चयन हो तो प्रगति निश्चित समझो, क्यों गोविंद जी? सही कहा आपने, जैसे मेरी प्रगति हुई अच्छी और बढ़िया उपज की बदौलत, और इसको संभव बनाने का काम है इसका। ये केवियट है, एक ऐसा कमाल का फफूंदी नाशक जो मेरी फसलों को फफूंदी से पूरी तरह सुरक्षित रखता है और उपज भी बढ़ाता है। फफूंदों का नाश और उपज भी अधिक, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो फफूंद की समस्या से बहुत परेशान हूँ, दवाई लाया, छिड़काव की, लेकिन सब एकदम फेल। फिर तो समझिए आपकी सारी परेशानी आज से खत्म। आप मुझे केवियट के बारे में विस्तार से बताएंगे? यस बिल्कुल, यूं तो मैं आपको बता सकता हूँ, मगर विस्तार से बताने के लिए केवियट मैन को बुला लेते हैं। लीजिए मिलिए एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड के केवियट मैन से। आप सबको नमस्कार, इन दोनों से तो मैं परिचित हूँ, कृपया आप मुझे अपना परिचय देंगे? नमस्कार, मैं नंदराम हूँ, फफूंदों से परेशान एक किसान। जब जब किसी किसान भाई को फसलों में रोग परेशान करते हैं, तब तब मैं उनकी मदद के लिए जरूर आता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको केवियट की खूबियों के बारे में विस्तार से बताऊं, आप मुझे बताइए कि क्या आप जानते हैं कि पौधों में रोग से फसल की उपज में 26% तक हानि हो सकती है? रोगों से इतनी हानि हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर फफूंद से होने वाले रोगों का समय पर इलाज नहीं किया गया तो फसल को बहुत हानि हो सकती है, पर हम हैं तो क्या गम। केवियट एक निवारक, रोगहर, निर्मूलक प्रकार का बहुउपयोगी अंतरप्रवाही फफूंद नाशक है, और ये बहुत सारी फसलों पर अनेक फफूंदी जन्य रोगों को नियंत्रित करता है। सच में? जी बिल्कुल, केवियट एक आधुनिक नवीनतम अंतरप्रवाही फफूंद नाशक है जो कई फसलों में अनेक प्रकार के फफूंद जनित रोगों का एक प्रभावी और विश्वसनीय समाधान है। केवियट बहुउपयोगी अंतरप्रवाही फफूंद नाशक है जो पौधों की प्रणाली में पूर्णतः प्रवेश करता है और पूरे हिस्से पर फैलकर संपूर्ण पौधे में कुशलता से रोग नियंत्रण करता है। केवियट पौधे की प्रणाली में एक्रोपेटल गतिविधि के चलते नई पत्तियों और शाखाओं को रोग के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। केवियट निवारक यानी रोग के प्रकोप से पूर्व, रोगहर यानी रोग के लक्षण दिखने से पहले,
और निर्मूलक यानी गंभीर प्रकोप के बाद इन तीनों तरीकों से काम करता है। KV8 आधुनिक SBI DMI फफूंद नाशक है, जो कि फफूंद की बाहरी सतह में हाइफल सेल वॉल को तोड़ता है और फफूंद के प्रजनन के साथ होने वाले विकास को रोकता है। यह WDG फॉर्मुलेशन में आता है, इसीलिए KV8 आसानी से घुल जाता है और फूलने का प्रभाव देता है। इसका नया फॉर्मूला पौधे की प्रणाली में तेजी से प्रवेश करता है और आसानी से धुलता नहीं है। इससे अनाज की चमक और उपज की गुणवत्ता के साथ साथ उपज में वृद्धि भी होती है। अरे वाह, ये केवियर तो वाकई में कमाल का उत्पाद है और इतनी सारी खूबियां। तभी तो मैं अपनी फसलों के लिए सिर्फ केवियर का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो आप भी खेती करते हो? ये डीलर होने के साथ साथ एक उन्नत और सफल किसान भी हैं। मैं भी बेहतर रोग नियंत्रण के साथ खेतों में अधिक उपज पा रहा हूँ, और वो भी बेहतर गुणवत्ता के साथ। केवियर के इन्हीं गुणों और खूबियों के चलते केवियर की मांग में वृद्धि हो रही है और इसे इस्तेमाल करने वाले किसान भाइयों के जीवन स्तर में भी। जी हाँ, बिल्कुल। पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे किसान भाइयों ने भी केवियर का उपयोग करके फफूंद से मुक्ति पाकर अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता पाई है। जैसे कि धान में पंजाब से रंजीत सिंह, हरियाणा से हरदीप सिंह, उत्तराखंड से सुरेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ से मुरारी साहू, आंध्र प्रदेश से चिन्नालिंगा रेड्डी, तेलंगाना से सत्ती रेड्डी, तमिलनाडु से एम तमिल सेल्वन और कर्नाटक से वेंकन गौड़ा जी जैसे बहुत सारे किसान भाइयों ने धान में शीत ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, फॉल्स मट और दाने का बदरंग होना आदि रोगों के ऊपर अत्यंत प्रभावी नियंत्रण पाया है और अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता पाई है। प्याज में महाराष्ट्र से संतोष गड़ाक और नवनाथ वरपे, मध्य प्रदेश से जुजार सिंह परमार और राजस्थान से भोजराज नागर जैसे बहुत से किसान भाइयों ने प्याज और लहसुन में पर्पल ब्लॉच रोग पर बेहतर नियंत्रण पाया है। मूंगफली में गुजरात से हरसुख भाई सवसनी और मुकेश भाई भट्ट जैसे बहुत से किसान मित्रों को अर्ली और लेट लीफ स्पॉट यानी दो प्रकार के टिक्का रोग, रस्ट और तना गलन आदि रोगों पर केवियट से अच्छा नियंत्रण मिला है। मिर्च में आंध्र प्रदेश से चित्तल्ला कुट्टी रेड्डी और मली रामाचंद्र रेड्डी, कर्नाटक से राजशेखर जैसे बहुत सारे किसान भाइयों ने एंथ्रेक्नोस, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाईबैक और फ्रूट रॉट आदि रोगों पर केवियट से नियंत्रण पाया है। गेहूं में पीला रस्ट और जीरा में अल्टरनारिया ब्लाइट और पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोगों को भी नियंत्रित करता है। साथ ही केवियट सब्जी और फलों में एंथ्रेक्नोस, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू आदि रोगों पर भी प्रभावी नियंत्रण देता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, केवियट बहुत सारी फसलों में कई प्रकार के फफूंद जनित रोगों पर प्रभावी है। साथ ही फफूंद रोगों की जटिलता में केवियट सर्वोत्तम विकल्प है। केवियट मैन जी, क्या आप हमें केवियट के इस्तेमाल का तरीका भी बताएंगे? अवश्य। तो फिर ध्यान से सुनिए, हमें फफूंद की सही जानकारी नहीं होती है, इसलिए अक्सर हम सही फफूंद नाशकों का चयन नहीं कर पाते और इसके कारण हमारे खेतों से फफूंदों का नाश पूरी तरह से नहीं हो पाता और उपज में कमी आती है। किसी भी फसल में केवियट का इस्तेमाल 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए और बेहतर परिणाम के लिए एक्सेल क्रॉप केयर कंपनी का श्योर शॉट 40 से 50 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाना चाहिए। केवियट का छिड़काव कैसे और कौन से दिन करना चाहिए? केवियट का स्प्रे फसल पर फफूंद के लक्षण दिखाई देने से पूर्व या रोगों के प्राथमिक लक्षण दिखने पर करना फायदेमंद होता है। इस तरह आप केवियट का इस्तेमाल करके अपनी फसलों को फफूंदों से बचा सकते हैं। धन्यवाद। तो अब समझ में आया ना कि सब किसान भाई सिर्फ केवियट पर ही क्यों भरोसा करते हैं।
क्योंकि केवियट है आधुनिक किसान की पहली पसंद। नंदराम जी, उम्मीद है कि आप केवियट के बारे में विस्तार से जान गए होंगे, मगर फिर भी कभी आपको जानकारी की आवश्यकता पड़े तो आप हम में से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, हमें प्रसन्नता होगी। आप सबका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। ये सही समय सही जगह पर मैं यहाँ खड़ा होकर भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और वैसे तो केवियट मैन जी ने हमको सारी बातें विस्तार से बता दी, लेकिन हमारे कुछ और भी किसान भाई हैं जो इस समस्या के बारे में कुछ नहीं जानते, बहुत परेशान हैं। तो आप हमारे गांव में आके उनको विस्तार से बता सकते हैं? मैं सबको एक जगह इकट्ठा कर लूंगा। हाँ हाँ जरूर, आपके गाँव के किसान भाइयों को मिलने मैं आज ही शाम को 6 बजे हाजिर हो जाऊंगा। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आज शाम को। अब आप फफूंदी की समस्या केवियट पे छोड़ दीजिए, आज से आपका अच्छा समय प्रारंभ हो गया है। तो आप भी कुछ अच्छा सा कर दीजिए। ये लीजिए। वाह,